सबसे पहले यहाँ पे जितने हमारे साथी उपस्थित हैं सभी लोगों का मेरे तरफ से क्रांतिकारी जय भीम नमोदय। साथियों सबसे पहले मैं परिचय दे देना चाहता हूँ कि मैं बौद्ध संजय कुमार नीरज जी और तीन तीन यूनिटी में लेकर के चल रहा हूँ। सबसे पहले मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया कीर्तिनगर दिल्ली प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूँ, साथ ही बहुजन समाज पार्टी मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र का महासचिव हूँ जी। पता नहीं कौन सी खूबी देखा क्या देखा, सम्यक समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लाखन सिंह बौद्ध जी ने मुझे दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया सम्यक समाज संघ स्त्री का, और उन्होंने मुझे पता नहीं कौन सी गुट्टी पिला दी है कि मेरे अंदर ऐसा माहौल बन चुका है कि मैं एक पल भी अपने देश में मनुवाद और ब्राह्मणवाद को नहीं देखना चाहता। इस बहुजन समाज के लिए, इस दलित समाज के लिए क्या करना चाहते हैं? मैं इस बहुजन समाज, दबे कुचले समाज को वह स्थिति में नहीं देखना चाहता हूं कि जिस स्थिति में आज के 5000 साल पूर्व हमारा समाज था। हम इस समाज देश के, हमारा समाज राजा था और बड़ी कठिनाइयों के दौर से जब हमारा देश गुजर रहा था, अंग्रेजों का गुलाम था। जिस समय हमारे देश में अंग्रेजी हुकूमत राज करती थी, अंग्रेजों की बदौलत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 5-5 बच्चों की आहुति दे करके, यहाँ तक कि उनकी पत्नी रमाबाई की भी आहुति हो गई, वह भी मौत की घाट चली गई। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पीछे मुड़ करके नहीं देखे इस दबे कुचले हुए समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उनके हक अधिकार के लिए। तो मैं समझता हूँ कि यदि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस समय अकेले इतना कर सकते थे तो माननीय कांशीराम साहब की बदौलत यदि राजनीति के पटल पे हमने कदम रखा है तो बहुजन समाज जब तक शासक नहीं बन जाता तब तक अमन चैन से बैठने का नाम नहीं लूंगा। हाँ, दो मिनट। संजय जी क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? साथियों देखो, मैं यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से मनुवादी सरकार ने अपने लोगों को संरक्षण दे करके भारत के जितने राज्यों में इनकी सरकारें हैं आरएसएस और बीजेपी की या इनके सपोर्टर पार्टियों की, वहाँ पे बहुजन समाज के बहन बेटियों के साथ में अन्याय, अत्याचार, बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही हैं, और इनके जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनको राजा भैया जैसे और फूलन का हत्यारा क्या नाम है शेर सिंह राणा जैसे, जो सहारनपुर का मुख्य आरोपी है वो शेर सिंह राणा है, लेकिन उसको छोड़ करके किसको अंदर किया गया, जो एक जाना माना वकील है चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को एक साजिश के तहत। और अभी आपको ये भी पता होगा कि 3 अगस्त को एक विकलांग से डरी हुई सरकार लाखन सिंह बौद्ध को रासुका के तहत, अभी रासुका लगी नहीं लेकिन इनकी माने मनसा है कि रासुका लगाई जाए, तो ऐसे व्यक्ति से, विकलांग व्यक्ति से डरने वाले लोगों की सरकार यहां से उखाड़ फेंकनी है 2019 से पहले। ये मेरी पूरी कोशिश होगी कि देश का एक एक बच्चा ये गाता हुआ नजर आना चाहिए कि अच्छे दिन आने वाले हैं और मोदी यहां से जाने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मोदी ने 2014 में ये कहा था गली गली में गांव गांव में कि हर हर मोदी घर घर मोदी, तो इस बार कह देना है कि हर हर मोदी घर घर मोदी नहीं होगा, घर घर में अंबेडकर होंगे जिन्होंने भारत का संविधान बनाया है। और ये कहा था बाबा साहब अंबेडकर ने कि जाके अपनी दीवारों पे लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। और साथियों यदि आप लोगों ने आज नहीं तो कल अगर लिख दिया तो मैं कहता हूँ आने वाला जो कल होगा वो बहुजन समाज का होगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की कोई भी बात गलत नहीं हुई है। और मैं संविधान जलाने वालों के लिए भी एक बात कह देना चाहता हूँ कि तुम्हारे बाप दादाओं में दम नहीं था कि भारत का संविधान लिखने का, हरामजादों कुत्ते की औलाद तुम संविधान जलाने की हिम्मत करते हो। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो अपने बाप से कह दो कि संविधान पहले लिखे फिर संविधान जलाने की बात करे। और रही बात देवकीनंदन ठाकुर की, अरे ऐसे पाखंडियों को तो इतने जूते पड़ने चाहिए कि जूतों को बिना सोल वाले, क्योंकि कीमत वाले जूते नहीं, क्योंकि अगर कीमत लग जाएगी ना तो साथियों मेरा कहने का मतलब बेकार हो जाएगा। ये इतना बेवकूफ ढोंगी पाखंडी कथावाचक
ऐसे गद्दारों को इस देश से लात मार के भगाना चाहिए, बिना जूते का लात। साथियों, जूते का तो पैसे लगते हैं, लेकिन बिना कीमत को इसको लात मारनी चाहिए। जिसको बेवकूफ को कथा कहना चाहिए, अरे तेरे भगवान में ताकत है, तू ओम नमः शिवाय करके कुछ भी पूजा करके हरमजादे आरक्षण खत्म करवा देता। तुझे रोड पे आने की क्या जरूरत पड़ी है? तू सवर्ण एकता बनाता है कमीने 4.5% होकर के? हमारा 85% समाज जिस दिन जाग जाएगा, उस दिन तुम्हें पैरों के नीचे ना कुचल दिया तो फिर याद रखना, और तुम्हें यूरेशिया जाना पड़ जाएगा। मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि हमें किसी जाति से नफरत नहीं है, किसी धर्म से नफरत नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष से नफरत नहीं है, लेकिन यदि नफरत है तुम्हारे पाखंड से है, और तुम्हारा पाखंड खत्म करके ये बहुजन समाज या बहुजन समाज की सरकार 2019 में बनाएगा। और जितने हमारे बेगुनाह लोग जेलों के अंदर में है, लाखन सिंह बौद्ध, मकरन सिंह बौद्ध और तमाम ऐसे हमारे हजारों साथी जो जेल के अंदर हैं, जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार बहन जी के नेतृत्व में बनेगी, जितने जेल के अंदर हमारे गुनाह और बेगुनाह हैं, सब जेल के बाहर होंगे, ये मेरा वादा है। साथियों, एक सूचना मैं आप लोगों को और इस न्यूज चैनल के माध्यम से देना चाहूंगा कि 24 सितंबर को अलवर के अंदर कर्नल अवार्ड के विरोध में जो पूना पैक्ट हुआ है, उसका अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। तो जितने साथी इस न्यूज चैनल के माध्यम से हमारे संदेश को सुन रहे होंगे, जो दिल्ली में है या दिल्ली के इर्द गिर्द में है, पूरे भारत में जहां जहां इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिल रही है, मैं उन सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अलवर पहुंचे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। क्योंकि साथियों, यस 3 ने पूरे जोर शोर के साथ में भीम आर्मी, भीमसेना सहित जितने छात्र इकाइयां हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, सब एकत्रित हो रहे हैं और आज जरूरत हमें एक होने की। तो मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग अपने मूवमेंट को बढ़ाने के लिए एक दिन का काम छोड़ दो, एक टाइम की रोटी छोड़ दो, सब कुछ त्याग दो। क्योंकि अगर आपका अधिकार रहेगा, भारतीय संविधान रहेगा तो आप रहोगे, अगर भारतीय संविधान नहीं होगा तो आप नहीं होगे। तो साथियों, मेरे इसी अपील के साथ में आप लोगों का एक बार मैं पुनः धन्यवाद करूंगा और आप लोगों का आह्वान भी करूंगा कि 2019 में यदि आपको दिखना चाहिए तो बैलेट पेपर दिखना चाहिए और ईवीएम तोड़ो अभियान चलाना पड़ेगा। साथियों, ईवीएम नहीं होनी चाहिए, इसके लिए यदि जेल भी जाना पड़ेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब जब हमें अधिकार लेना पड़ता है इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। जैसे 2 अप्रैल को सम्यक समाज संघ स्त्री के 6 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाके केंद्र सरकार ने SC ST बिल को पास किया। तो इसी प्रकार से आप लोग एकत्रित होकर के अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। साथियों, आज के लिए मेरा इतना ही आप लोगों से संदेश है, आप लोगों का धन्यवाद।